हे गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। गाइस, आप सभी का वेलकम करता हूं गेमिंग बॉय निखिल यूट्यूब चैनल में। गाइस, यहां पर वर्ल्ड क्रिकेट चैंपियंस 3 गेम का एक धमाकेदार न्यू अपडेट लॉन्च हो चुका है, जिसके अंदर गाइस हमें यहां पर न्यू तमिल कॉमेंट्री साथ में वुमेन कॉमेंट्री देखने को मिलती है। साथ में गाइस यहाँ पर कॉमेंट्री कॉमो भी हमें इस अपडेट के अंदर देखने को मिलता है। गाइस, इस अपडेट का गेम प्ले वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया। गाइस, अगर आपने उस वीडियो को वॉच नहीं किए तो गाइस आई बटन के ऊपर गाइस उस वीडियो का लिंक मैंने दे रखा है, तो वहाँ पर जाकर आप उस वीडियो को वॉच है वो कर सकते हैं। इस वीडियो को वॉच आउट करने के बाद में तो गाइस पर इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं हिडन फीचर्स का रिव्यू। गाइस, यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं न्यू बैटिंग शॉट्स, न्यू बैटिंग स्टाइल, साथ में गाइस यहां पे डिफरेंट कैमरा एंगल, यानी जो भी हिडन फीचर्स है, न्यू रियल फेस, ये सभी गाइस आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। तो आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और धमाकेदार होने वाला है। अगर आप वीडियो को लास्ट पूरा वॉच करेंगे तो गाइस बहुत ज्यादा एंजॉय आप करेंगे। तो गाइस वीडियो को लास्ट पूरा वॉच है वो कीजिएगा, और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले गाइस अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा तो सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन बेल को। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। गाइस, यहाँ पे आपको न्यू अपडेट के अंदर का जो कमेंट्री है गाइस, इसके अंदर अगर आपकी मैथ्यू हेडन की कमेंट्री यानी इंग्लिश कमेंट्री, तो यहाँ पे आपको देखिए रियल पेस है वो देखने को मिलता है कमेंट्री बॉक्स के अंदर। इससे पहले गाइस यहाँ पर मैथ्यू हेडन का हमें देखने को नहीं मिलता था फेस, लेकिन गाइस इस अपडेट के अंदर हमें मैथ्यू हेडन का फेस देखने को मिलता है। और गाइस देखिए कॉमेंट्री के अंदर अगर आपने कॉमेंट्री वुमेन कॉमेंट्री ले रखी तो वहाँ पर भी गाइस आपको कॉमेंट्री बॉक्स के अंदर वुमेन कॉमेंटेटर है वो देखने को मिलेंगे। गाइस, तो ये एक न्यू चीज़ हमें देखने को मिलती है, साथ में हिडन फीचर भी है। और गाइस बात करो तो गाइस यहाँ पे 5 ओवर के मैच के अंदर मुझे कॉमेंट्री बॉक्स देखने को नहीं मिला। गाइस देखिए यहाँ पर कैमरा एंगल आपको न्यू देखने को मिलता है कि जब बॉल फेंकी जाती है उस टाइम पे अगर जो कैमरा एंगल आता है उसको छोड़ दूं मैं, तो गाइस उसके अलावा बाकी जो कैमरा एंगल है वो इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे ऐड किए गए हैं। और गाइस यहाँ पे एकदम रियलिस्टिक गेम प्ले लग रहा है। गाइस यहाँ पर मतलब कि पहले क्या होता था गाइस इस गेम के अंदर कि जब 6-4 लगता था मतलब कि गाइस इतनी टाइमिंग अच्छी नहीं होती थी, मतलब कि बहुत ही स्लोली गेम पे था, लेकिन अब गेम प्ले फास्ट कर दिया और थोड़ा बहुत रियलिस्टिक भी लग रहा है। गाइस देखिए जैसे शॉट निकला और निकलते ही सीधा बाउंड्री के यहाँ पर चला गया। गाइस यहाँ पर अगर आप नोटिस किया होगा आईपीएल होता है फिर जो भी इंटरनेशनल मैच होता है उसमें जो भी शॉट लगा था प्लेयर अगर टाइमिंग अच्छी तो 6-4 सीधा बाउंड्री पे जाता है, यानी कि बिना किसी देरी के मतलब कि ऑटोमेटिकली 2 से 3 सेकंड के अंदर ही वो बाउंड्री पे चला जाता है। तो उसी टाइप से गाइस यहाँ पर भी उन्होंने ऐड करने की कोशिश की, यानी कि गेम प्ले 6-4 अगर आपकी टाइमिंग अच्छी है तो गाइस वहाँ पर बहुत जल्दी आपको बाउंड्री पे 6-4 जाता है वो देखिएगा। जैसे गाइस देखिए जैसे कि यहाँ पर 6 लगा और गाइस सीधा देखिए बिना किसी रुकावट के आराम से बहुत ही स्पीड लिए गाइस चला गया ग्राउंड के बाहर। और गाइस देखिए इस बार इन्होंने फ्लैट 6 भी ऐड किए, फ्लैट 6 ऐड किए, और गाइस इसके अलावा बाउंड्री शॉट भी इन्होंने ऐड किए, ग्राउंड जो शॉट होते हैं गाइस वो भी इन्होंने ऐड किए। तो गाइस देखिए यहाँ पर आप मेरी बात को समझ रहे होंगे कि मतलब कि यहाँ पर फास्ट गेम प्ले हो चुका है। और गाइस यहाँ पर कैमरा एंगल देखिए आपको कितने अच्छे देखने को मिलते हैं। और गाइस देखिए बैटिंग स्टाइल यानी कि जो शॉट लगाने की जो स्टाइल होती है गाइस वो स्टाइल भी यहाँ पर चेंज है वो करती है और बहुत ही अच्छी लगती है। गाइस देखिए और देखिए शॉट देखिए हेलीकॉप्टर शॉट है ये, देखिए यहाँ पर कितनी अच्छी तरीके से टाइम किया और सीधा मतलब कि प्लेयर के पास चला गया। पहले का इस स्लोली गेम प्ले था तो गेम प्ले फास्ट हो चुका है और गेम प्ले थोड़ा बहुत अच्छा हो चुका है। अगर हम एक चीज़ को मिस कर दे, एक चीज़ को साइड में रख दे, वो जो बॉलिंग करते समय कैमरा एंगल था उसको चेंज उसको साइड में रखे, तो गाइस बाकी पूरा का पूरा जो गेम है गेम प्ले बहुत ही अच्छा लगा। गाइस देखिए यहाँ पर भी इस बार 6 किया और अच्छी टाइमिंग के साथ में गाइस शॉट है वो सीधा ग्राउंड के बाहर चला गया। और गाइस यहाँ पर एक चीज़ और नोटिस की मैंने, जैसे ओवर खत्म होता है उसके बाद में गाइस देखिए आपको ओवर खत्म होता है यानी लास्ट बॉल फेंकेंगे उसके बाद सीधा ही ये एलिमिनेशन देखने को मिलेगा। पहले ऐसा नहीं होता था गाइस, देखिए वापस आप जैसे कि ओवर खत्म होगा उसके बाद में वापस ये एनिमेशन आएगा, ठीक है गाइस। मतलब कि एक तो पहले ओवर की लास्ट बॉल हुई उसके बाद में एनिमेशन, फिर वापस स्टेप टू कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट ओवर के लिए, तो वहाँ पर वापस ये एनिमेशन आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद वापस गाइस देखिए जैसे बॉलर आएगा तो बॉलर को आप राइट करेंगे, उसके बाद वापस गाइस ये एनिमेशन आपको देखने को मिलेगा, यानी कि गाइस ओवर खत्म होने के बाद में आपको 3 बार ये एनिमेशन होता है ना ये देखने को मिलेगा। इस देख सकते आपकी इसके अलावा गाइस ना सिर्फ बार बार देखने को मिलता है बल्कि गाइस कुछ न्यू एनिमेशन भी गाइस हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। देखिए गाइस यहाँ पे कितने सारे न्यू एनिमेशन आपको देखने को मिलते हैं ओवर खत्म होने के बाद में। साथ में गाइस यहाँ पर एक चीज मैंने और भी नोटिस की है कि गाइस यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं मतलब कि लंबे लंबे सिक्स, यानी कि 115 मीटर, 120 मीटर, 125 मीटर के सिक्स आपको इस गेम की तरफ देखने को मिलते हैं। गाइस ये देखिए एक और प्लेट सिक्स आपको बताता हूँ मैं, गाइस देखिए सीधा थर्ड मैन की तरफ प्लेट सिक्स गया था। ओके गाइस, तो देखिए ये भी 111 मीटर सिक्स है। अब गाइस देखिए आपको मैं बताता हूँ कि फ्लैट शॉट भी आपको इस गेम के अंदर देखने को मिलते हैं गाइस। मतलब कि पहले क्या होता था कि जो अपोनेंट टीम होती थी जब हम बॉलिंग करते थे उस टाइम पे जो बैटिंग वाली टीम होती थी मतलब कि वो सीधा कुछ कम शॉट ही लगाती थी, 4-5 गिनती की शॉट होती थी उनको प्ले करती थी और ग्राउंड शॉट इतने होने होते, लेकिन गाइस आप देख सकते हो कि ग्राउंड शॉट भी अब सामने वाली टीम अपोनेंट टीम है वो प्ले करती। साथ में गाइस यहाँ पर अपोनेंट टीम पहले 5 से 6 शॉट प्ले करते थे, वहाँ पर गाइस अब अपोनेंट टीम यहाँ पर 20 से 25 शॉट है वो प्ले करती है। तो गाइस ये भी अच्छी बात है कि गेम है वो और भी ज़्यादा रियलिस्टिक लगने वाला है। और गाइस देखिए कुछ यो न्यू एनिमेशन भी आपको इस गेम के अंदर देखने को मिलते हैं, गाइस स्टेडियम का एक न्यू एनिमेशन ऐड किया गया है। ओके गाइस, तो देखिए यहाँ पर मतलब कि कुल मिला के कहने का मतलब ये कि गाइस एकदम रियलिस्टिक गेम प्ले हमें लगेगा अगर हम एक चीज़ को यहाँ पर साइड में रख दें कैमरा एंगल वाले को। तो गाइस देखिए यहाँ पर डिफेंस भी कर रहे हैं सामने वाली टीम और कुल मिला के गेम बहुत ही अच्छा हो चुका है, डिफेंस कर रहे हैं साथ में यहाँ पर
मतलब कि ग्राउंड शॉट प्ले कर रहे हैं। तो कैसे आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि कैसे आपको अपडेट कैसा लगा, हिडन पिक्चर आपको कैसा लगे, और कमेंट्री में आपको रियल पेज देखने को मिले कि मिले कमेंट करके जरूर बताइएगा। गाइस उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा, गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, और ऐसे और भी धमाकेदार वीडियोस को प्ले करने के लिए वॉच करने के लिए गाइस चैनल सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन बेल को। तो गाइस मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय मेरे प्यारे दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।